हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकुल प्रिडिक्शन में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साउथन ब्रेव वर्सेस ट्रेंड रॉकेट्स के बीच में जो मेन्स हंड्रेड का मुकाबला खेला जाएगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है हमेशा की तरह कौन से खिलाड़ी आप लोगों को स्मॉल लीग में लेके चलने हैं कौन से खिलाड़ी ग्रैंड लीग आप लोगों को विन करवा सकते हैं किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है ठीक है ए टू जेड डाटा सब आपके सामने रख दूंगा ताकि आप लोग अगर टीम बना रहे हो आप भी अगर अच्छी विनिंग करनी चाहते हो तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बताता चलो ये मुकाबला 10 अगस्त मतलब आज ही शाम सात बजे आप लोगों को अपने भारत टाइम अनुसार द रॉस बॉल साउथ हैम्पटन इंग्लैंड के ग्राउंड पे होता हुआ दिख जाएगा सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ से बात करेंगे साउथन ब्रेव की टीम की तो इनकी टीम छः मैच खेली है जो कि डेटा आपके सामने मैंने रखा है दो मैच इनकी टीम हारी है चार मैच विन करके आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो प्लेयर्स की बात करते हैं तो एलेक्स डेविस के साथ आप लोगों को जेम्स विन्स से ओपन करते हुए दिख जाएंगे डेविस की बात की जाए तो वैसे देखो फॉर्म इन्होंने ठीक ठाक दिखाया हुआ है ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं अगर आप चाहो तो इनफैक्ट आप अपने स्मॉल लीग की टीम में भी इनको कंसीडर करके चल सकते हो बाकी जेम्स विंस की बात करते हैं तो बैक टू बैक तीन अर्धशतक ये लगा के आ रहे हैं लीडिंग रन स्कोर इस सीज़न ये चल रहे हैं लिस्ट डुपोली अच्छा लिस्ट डुपोली से पहले देख लीजिए फ्लैचर पिछले मैच में खेले थे मैं अभी आपको इनका डेटा दिखा दूंगा खैर ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए थे पिछले मैच में लेकिन बताता चलूँ अभी एक महीने पहले लंका प्रीमियर लीग चल रही थी जहाँ पे ये बहुत अच्छे फॉर्म थे फॉर्म में थे बैटिंग से प्लस ये बॉलिंग भी कर रहे थे तो बॉलिंग अगर कर देते हैं तो प्लस पॉइंट इनके साथ रहने वाला है वैसे बॉलिंग करने के काफ़ी लेस चांसेस है एज अ बैटर ये हार्ड इटर बैटर हैं कभी भी 10-12 गेंद खेल लेंगे तो मैच पलट सकते हैं लिस्ट डुपोली की बात करते हैं तो उतना कोई खासा फॉर्म नहीं है यहाँ पे 23 उसके बाद फ्लॉप फिर इक्कीस फिर फ्लॉप 21 फिर, फिर चार मतलब ट्वेंटीज़ तक में ये जा सकते हैं उससे बड़ा इनके बस का लग ही नहीं रहा है लॉर वान्स की बात करते हैं तो ये सीज़न इनका बिल्कुल नहीं है अगर एक पच्चीस रनों वाली पारी छोड़ दी जाए तो टोटली भाई ये भी फ्लॉप है कैरन पुलाट की बात करते हैं हार्ड इटर बैटर स्पेशली फर्स्ट इनिंग के बैट में मस्ट पिक वाले खिलाड़ी हैं कम गेंदों में ज़्यादा रन करने की क्षमता रखते हैं क्रेग ओवरटन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बॉलिंग से अपने ओवर कंप्लीट करेंगे क्रिस जॉर्डन भी इंपॉर्टेंट है बॉलिंग से अपने ओवर कंप्लीट करेंगे, करेंगे। जोफ्रा आर्चर उस प्रकार के लय में नहीं दिख रहे हैं जिस प्रकार की ये खिलाड़ी हैं काफ़ी बार अंदर बाहर भी हुए हैं बाकी देखो बॉलिंग से तो ओवर कंप्लीट कर रहे हैं अच्छी बात यह है टाइमल मिल्स लीडिंग रन विकेट टीका मतलब लीडिंग विकेट टेकर में इनका नाम शुमार है अच्छे खिलाड़ी हैं एक बार चार विकेट भी निकाले हैं मतलब हर मैच में ये विकेट निकाल रहे हैं फर्स्ट इनिंग के बॉल में अगर आप चौदह टीम का वी सी भी इनको बना के चल सकते हो वही अकेल हुसैन सेकेंड इनिंग वाले ये खिलाड़ी रहने वाले हैं फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो बाकी जो भी खिलाड़ी बेंच पे हैं आप उनका यहाँ से रिसेंट फॉर्म देख सकते हो और आंद्रे फ्लेचर के बारे में मैं बता रहा था देखो लंका प्रीमियर लीग में क्या कुछ इन्होंने गुल खिलाया है अड़तीस बीस साठ जीरो रन जीरो विकेट उनहत्तर रन एक विकेट तेरह रन पचास रन सैंतालीस रन चौबीस रन जीरो रन तो ये इनका रिसेंट फॉर्म है मैंने कहा ना कि लंका प्रीमियर लीग में अच्छे फॉर्म में थे तो फॉर्म इनका बहुत अच्छा है भले पिछले मैच में फ्लॉप हुए हैं हंड्रेड में ये आज तक कोई भी मैच खेले नहीं है ठीक है पिछले साल भी नहीं खेले हैं ओवरऑल भी कभी कोई मैच खेले नहीं है वेन्यू पे भी ये आज तक नहीं खेले हैं तो पहली दफ़ा खेलेंगे बाकी जेम्स विंस का भी फॉर्म बहुत अच्छा है और इन्होंने अपना फॉर्म दिखाया भी है बरकरार भी रखे हैं तो इसी प्रकार जितने खिलाड़ी हैं सबका डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीद है कि आप लोग चीज़ें अच्छे से समझ रहे रहोगे वेनू हेड टू हेड सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया आप चाहो तो देखना चाहो यहाँ से बिल्कुल देख सकते हो अच्छा देखना वेनू पे ना जोफ्रा आर्चर का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है भाई छः मैच में ग्यारह विकेट है डैनी ब्रिंक्स बावन मैच में छहत्तर विकेट है तो सबका इसी प्रकार आप रीड करके चल सकते हैं बात करते हैं सामने वाली टीम जो कि ट्रिंट रॉकेट्स की टीम रहने वाली है इनकी टीम ने पांच मैच खेला है जहां पे इनकी टीम तीन मैच जीती है दो मैच हारी है खिलाड़ियों की बात करते हैं तो एडम लथ के साथ टॉम बांटन ओपन करेंगे लथ बिल्कुल फॉर्म में नहीं है टॉप ऑर्डर में अब इनसे बैटिंग करवाई जा रही है फिर भी कुछ खासा नहीं कर पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा था वहाँ पे भी ये कुछ खासा नहीं कर पा रहे थे एलेक्स हेल्स हार्ड इटर बैटर हैं पिछले तीन मैच से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है लंबा टीकेंगे लंबा मारेंगे अदरवाइज सस्ते में नहीं पड़ते हैं बाकी जो रूट की बात करते हैं तो 32 रन पिछले मैच में इन्होंने स्कोरिंग की देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे बहुत बड़ा एडवांटेज इनको मिल सकता है और रोमन पावल हार्ड इटर बैटर हैं वैसे बैटिंग क्रम नीचे है लेकिन कई बार इनके जो 15 रन और 20 रन वाले भी जो परफॉर्मेंस होते हैं ना भले फैंटसी यूज़र के लिए काम के ना हो लेकिन इनके टीम के लिए बहुत इम्पैक्टफुल वो पारी होती है ल्यूस ग्रोगरी की बात करते हैं आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे बैटिंग तो वैसे काफ़ी कम चांसेज आए बाकी उतना बेहतर देखो फॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है इमाद वसीम बहुत अच्छे फॉर्म में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं राशिद खान इंपॉर्टेंट इनफैक्ट सी बी बना के चल सकते हो जोश टर्नर पिछले मैच में खेले थे कुछ खासा कर नहीं पाए थे सैम कुक की बात करते हैं पिछला मैच अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है ल्यूकुड का भी फॉर्म अच्छा खासा है बाकी इनके तरफ से जो भी खिलाड़ी बेंच पे हैं आप उनका यहाँ पे डेटा देखना चाहो तो देख सकते हो स्क्वाइड से सारे खिलाड़ियों का यहाँ पे डिटेल लिखा है देखो हेड टू हेड में एलेक्स सेल्स का बहुत बुरा रिकॉर्ड है भाई चार मैच में मैच बीस रन है तो इसके बेस पे आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ठीक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जा, जनता इनको टीम में लेना चाहेगी आप अगर ये रिकॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड बताने का मतलब ही यही होता है कि देख रहे हो तो यहाँ से कुछ सीखने का आप ट्राई करो तो बाकी सारे खिलाड़ियों का इसी प्रकार लिखा हुआ है आप एक एक करके सभी खिलाड़ियों का देखना चाहो देख सकते हो देखो टर्नर वेनू पे दस मैच में बीस विकेट मतलब पर मैच दो विकेट निकालते हैं तो ज़बरदस्त इनका रिकॉर्ड है हेड टू हेड में चार मैच हुए हैं दोनों टीमों ने दो दो मैच को विन किया है अच्छा करंट स्क्वायड के हिसाब से कुछ टॉप परफॉर्मर खिलाड़ी की बात करते हैं जब दोनों टीम आपस में खेलती है तो कौन खिलाड़ी जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम एक 133 बनाती है साउथन ब्रेव एक बनाती है ऑल आउट हो जाती है एक अगस्त 2023 की बात कर रहा हूं अब इस मैच में सैम हैन के तिरसठ रन थे इमाद वसीम के 26 रन दो विकेट थे ल्यूस ग्रोगरी के तीन विकेट थे ठीक है लुकवुड के एक विकेट थे ल्यूस डुपोली को उनतीस रन थे क्रिस जॉर्डन बाईस रन तीन विकेट क्रेग ओवरटन दो विकेट टाइमल मिल्स और जॉर्ज गार्टन के एक एक विकेट थे फिर यहाँ पे एक और मैच है आप लोग देखिएगा ट्रेंड रॉकेट्स की टीम ये मैच हार जाती है साउथन ब्रेव विन करती है पच्चीस अगस्त दो का डेटा है यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा कुक का नाम है दो विकेट के साथ एलेक्स डेविस इक्यावन के साथ है बाकी सब का डिसेंट सा परफॉर्मेंस है नीचे देखिएगा जेम्स विंस का नाम है यहाँ पे 45 के साथ गार्टन का तीन विकेट के साथ नाम है टाइमल मिल्स का नाम है क्रिस जॉर्डन ओवरटन का नाम है तो क्रिस जॉर्डन गार्टन इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर खेलेंगे तो इन पर ध्यान रखना बाकी क्रिस जॉर्डन इनका नाम रिपीट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं और वैसा कोई ज़्यादा और नाम रिपीटेड वाला खिलाड़ी दिख नहीं रहा है पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो दी राउस बॉल साउथ हेम्प्टन इंग्लैंड के ग्राउंड पे मुकाबला होता हुआ दिख जाएगा अगर दोस्तों देखो पिच की बिहेवियर की बात की जाए तो बैटिंग करना वैसे यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है ठीक है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है न्यू बॉल से स्टार्टिंग में आप लोगों को तेज गति के बॉलर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ना भाई तो यहाँ पर मतलब डिफ़िकल्ट होने वाला है बैटर के लिए टॉप ऑर्डर के बैटर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है बाकी हो सकता है मैच जैसे जैसे आगे बढ़े तो पिच स्लो हो तो यहाँ पे फिर हो सकता है बैटर रन बनाए लेकिन फिर स्लो पिच होगी तो स्पिन बॉलर भी गेम में आ सकते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पिछले एक सौ मैचों का डेटा आपके सामने लिखा है चौरानवे मैच को फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने अंठावन मैच को चेजिंग साइड विन की है तो चेजिंग साइड उतना बेनिफिट नहीं उठा पाती है जितना कि फर्स्ट बैट वाले यहाँ पे हावी रहते हैं तेरह मुकाबले जो कि नो रिजल्ट के टाई हुए हैं ब्रेव की टीम चौदह मैच इस वेन्यू पे खेली है दस मैच जीती है तो इन लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम एक मैच खेली है वो हार गई थी रिसेंट मैचेस देखिएगा तो यहाँ पे हंड्रेड का है लो स्कोर मुकाबला जहाँ पे तेज़ गति के बॉलर्स का बोल वाला है एवरेज स्कोर मुकाबला तेज़ गति के बॉलर्स का बोल वाला है हाई स्कोर मुकाबला तेज गति के बॉलर्स का बोल वाला है यहाँ पे भी अच्छा खासा मुका मतलब स्कोर बना है और यहाँ पे भी मतलब तेज़ गति के बॉलर्स का बोल वाला है तो बस आपको ये मान के चलना है कि जो तेज़ गति के बॉलर्स हैं वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कहीं ना कहीं से वही पॉइंट आपको देने वाले हैं ठीक है तो तेज गति के बॉलर्स को आप लोगों को फुल्ली सपोर्ट करके चलना है हंड्रेड के वैसे इस वेन्यू पे अभी दो ही मैचेस खेले गए इस सीजन बाकी इससे पहले वैटिलिटी टी ट्वेंटी इंग्लिश टी ब्लास्ट का यहाँ पे डाटा में आपको दिखा रहा था ठीक है तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गई होगी बाकी चलिए अब इसी के बेस पे हम लोग अपनी टीम देखते हैं आज के मैच से रिलेटेड हमारी क्या कुछ फैंटेसी टीम बनकर रेडी हो रही है दोस्तों स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख कर आ रहे होंगे पहले वीडियो देख कर आइएगा तभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा आप अच्छे से समझ पाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वीडियो देख कर आना ठीक है तो विकेट कीपर में देखो सबसे सेफ में तो टॉम बैंटन रहने वाले हैं बिकॉज आपका अपोनेंट भी लेगा आप भी लीजिए वैसे बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं तो इनके साथ सेक्रीफाइस नहीं करना है आप लोगों को बाकी वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले टेलीग्राम के चैनल पर आप लोग रहना क्योंकि टॉस के बाद की जो भी अपडेट है यहीं पर दे पाऊंगा स्किप मत करो मेरा भाई बात सुन लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर लेना लिंक वर्क ना करे तो सिंपली से क्रिक टू फाइव एट जीरो आप चाहो तो लिख करके सर्च करके आ सकते हो स्मॉल लीग के साथ साथ आप लोगों को पांच से छह ग्रैंड लीग की बिल्कुल फ्री टीम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है आफ्टर टॉस तो टैम बाइन्टेन जरूर लेके चलिएगा डेविस का विकल्प है अच्छा विकल्प है आप अगर चाहो तो स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हो पहले और हम लोग बात कर लेते हैं देखो फ्लेचर हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी हैं अभी पिछला मैच भले फ्लॉप गए हो 24 परसेंट जनता अपनी टीम में ट्राई कर रही है मतलब चांसेस है कि आपका अपोनेंट स्मॉल लीग मतलब टू थ्री फोर टू टेन मेंबर में नहीं ही लाने वाला है इनको अगर आप ले लेते हो 30 40 रन कर देते हैं तो मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को ये लीड दे देंगे क्योंकि आपका अपोनेंट इनको लाएगा नहीं वैसे फॉर्म में है ये लंका प्रीमियर लीग के हिसाब से है बैटिंग सेक्शन से देखो जेम्स विंस और एलेक्स एल्स दोनों का ही वेन्यू और हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है मैं आप लोगों को अगेन एक बार रिपीट करवा देता हूं जेम्स विंस देखिएगा हेड टू हेड में भाई चार मैच में अड़तालीस रन वेनु पे अच्छा रिकॉर्ड है पैंतीस की औसत है हेड टू हेड में बहुत बुरा ये फंसते हैं मतलब बारह रन से ज़्यादा आप लोगों को वेनु के हेड टू हेड के हिसाब से नहीं करके दे सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया था एक बार फिर से रिपीट करता हूँ एलेक्सेल्स देखिए चार मैच में बीस रन तो इन दोनों का रिकॉर्ड बद से बदतर है मतलब हेड टू हेड में हेड टू हेड के हिसाब से दोनों ही मतलब फ्लॉप पिक्स रहने वाले हैं लेकिन करंट फॉर्म इन दोनों का अच्छा है और वेन्यू पे तो एलेक्स सेल्स का भी रिकॉर्ड खराब है मतलब हेड टू हेड में भी खराब है वेन्यू पे भी खराब है एलेक्स सेल्स का जेम्स विंस का हेड टू हेड में खराब है वेन्यू पे अच्छा है तो फिलहाल देखो जेम्स विंस वैसे फॉर्म वाइज इंपॉर्टेंट है एलेक्स सेल्स भी इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन पहले आप यहाँ से जो रूट को ले लो जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों देंगे ये दो खिलाड़ी कॉमन खिलाड़ी हैं ठीक है मैं पहले आप लोगों को कॉमन और अच्छे खिलाड़ी बता दे रहा हूँ देखो ऑलराउंडर से जॉर्डन इमाद वसीम ओवरटन ये तीनों मस्ट पिक वाले खिलाड़ी हैं अब पोलार्ड का डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा कि इनकी टीम किस इनिंग में बैट करती है अगर फर्स्ट इनिंग बैट करे तो फिर मैं नाइन्टी परसेंट चांसेस दे कि अपनी टीम में इनको ले लूंगा और चेजिंग साइड में हो सकता है मैं इनको ड्रॉप कर दूँ लेकिन वो आपको तो टॉस के बाद ही मालूम चल पाएगा तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आप रहना तो फिलहाल इनका जो डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है ग्रोगरी का उतना बेहतर फॉर्म नहीं है स्पिन बॉलिंग करते हैं और स्पिनर्स के लिए ज़्यादा पिच में कोई मदद है नहीं माफ़ कीजिएगा यार फास्ट बॉलिंग करते हैं ये ठीक है फास्ट बॉलिंग करते हैं और पेसर के लिए मदद है स्पिनर के लिए मदद नहीं है मुझको लगा स्पिन बॉलिंग करते हैं तेज गति की बॉलिंग करते हैं वैसे देखो पंद्रह गेंद आप लोगों को करते हुए दिख जाएंगे तो अगर जो लोग रिक्स टेकर करो अट्ठारह से बीस परसेंट लोग टीम अपने टीम में ट्राई कर रहे हैं तो एज अ डिफरेंशियल आप लोगों को ये जितवा भी सकते हैं अगर दो विकेट ले गए तो अगर आप चाहो तो इस प्रकार अपनी टीम में इनको जगह दे सकते हो ठीक है लेकिन फिलहाल इनको मैं पेंडिंग में डालता हूँ राशिद खान ताइमल मिल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है चाहे किसी भी इनिंग में बॉलिंग करें हैं अब देखो जोफ्रा आर्चर का वेनू पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है तो उस हिसाब से ये टीम में जगह बनाएंगे अब उसके बाद देखो दोस्त सिचुएशन डिपेंड करेगा अगर ल्यूक वुड की टीम फर्स्ट बॉल करे तो 100 तो परसेंट लूँगा बिकॉज डेथ में बॉलिंग करेंगे तो एडवांटेज है सैम कुक अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉल करे तो मैं इनको भी लेने वाला हूँ बाकी ये जो तीन बॉलर हैं किसी भी इनिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अब जो दो खिलाड़ियों का स्पोर्ट बच रहा है जनता एलेक्सल्स के साथ जाएगी सेफ्टी पर्पज से आप एलेक्सल्स को ले सकते हो आ, मैं फिलहाल रिक्स लेते हुए एंड्री फ्लीचर को टीम में ट्राई कर रहा हूँ उसके बाद देखो डेविस को ले रहा हूँ लेकिन पोलाड को भी मैं ले सकता हूँ ग्रोगरी को भी ले सकता हूँ और यहाँ पे एक बॉलर मैं अपनी टीम में बढ़ा सकता हूँ जो कि टॉस के बाद डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम फर्स्ट बॉल कर रही है और पोलाड अगर फर्स्ट बैट करेंगे तो मैं अपनी टीम में ज़रूर उनको ट्राई करूँगा तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की टीम बनकर रेडी हो रही है एलेक्स सेल्स को फिलहाल के लिए मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि वेनू हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो हो सकता है मैं टॉस के बाद उनको टीम में एडजस्ट कर लूँ लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड के हिसाब से ड्रॉप करके चल रहा हूँ तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की टीम बनकर रेडी हो रही है जहाँ पे खान साहब मेरे कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन जो जो कि ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे आप जॉर्डन इमाद वसीम के साथ भी जा सकते हो टाइमल मिल्स फर्स्ट इनिंग के बॉल में इनफैक्ट वीसी बना के चल सकते हो तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की टीम बन के रेडी हो रही है जहाँ पे कैप्टन खान साहब वाइस कैप्टन रूट रहने वाले हैं और जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को आफ्टर टोच टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा समझा बाकी अच्छी लगी हो नॉलेज तो प्लीज़ आगे भी शेयर करना वीडियो पर जो लोग नए होंगे अच्छा सा कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे तो मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक